So hey guys, welcome back to my channel and you are watching guys, आज मैं पापा के साथ अपना नया फोन लेने गया था। तो अभी मैंने आज लिया है आईफोन 15। सो मैं इसे अभी सेटअप कर रहा था, तो जैसे मैंने व्हाट्सएप इसमें चालू है और जो सारे आज जो मेरे को काम आते हैं वो भी इस फोन में है। तो इसमें इधर डेटा ट्रांसफर करना है तो भी बहुत सारा काम है। तो चलो उसके अलावा मेरे को देखना है कि आईफोन कौन कौन सी यूनिक फीचर्स है जो मुझे अभी तक नहीं पता है। तो गाइस फोन तो सेटअप हो गया, अब बस पैकिंग करनी है क्योंकि मैं परसों कॉलेज के लिए निकलने वाला हूँ। तो मेरे मैक्सिमम दोस्त फोर्थ को ही जा रहे हैं और उसके अलावा जो हमारी एंड सेम की कॉपीज थी वो भी फोर्थ को दिखा रहे हैं सुबह सुबह। अब जैसे ही कॉलेज जाएंगे वैसे ही कॉपीज दिखाना शुरू कर देंगे। तो चलो स्वेट शर्ट तो पैक कर ली, और उधर अभी मेरा चल रहा है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो चलो अभी थोड़ी देर मैच देखते हैं, उसके बाद वापस से पैकिंग करना शुरू करूंगा। ऐसे इंडिया ने साउथ अफ्रीका का मेन बैट्समैन एल्गर तो आउट कर दिया, बस ये बैंडिंग गहम बचा है, इसको आउट करते ही साउथ अफ्रीका की बैटिंग खत्म हो जाएगी। कल चले जाऊंगा मैं, मिस करना। अभी चलो देखो मेरे से कौन सा प्यार है। ऐसा नहीं है चिना, मैं अभी इंडिया का मैच चल रहा है साउथ अफ्रीका से, वो देख रहा हूँ तो इसलिए यार बात नहीं कर पा रहा। कुछ नहीं होता, चल मिलेंगे, और शादी होगी तब मिलेंगे। किसकी शादी? अपने चाचू की। ठीक है। तो गाइस जब मैं छुट्टी से आया था मैंने सोचा ये करूँगा वो करूँगा ये सीखूँगा वो सीखूँगा, लेकिन मुझे लग रहा है मैंने कहा ज़्यादा कुछ सीखा नहीं है से मूवीज के अलावा। तो चलो अब मैं अपनी लास्ट मूवी देख रहा हूँ घर पे। हाँ चल बता आज क्या देखने वाले हम। हाँ मेरे लैपटॉप पे ऑन कर दी, लेकिन मैं अपने सोच रहा हूँ लैपटॉप की बैटरी बचा के रखूँ, लेकिन चलो मुझे लग नहीं रहा कि बैटरी बच पाएगी। जीना आखिरी बार बाय बाय गणेश, हम मिलेंगे समर ब्रेक्स में। सो क्यूट यू। अभी मैं तो अभी तो मैं शॉपिंग करने गया था, तो शॉपिंग करके आ गया, अब डायरेक्ट निकल रहा हूँ। एक चीज लेने गया था बस, अपने मोबाइल का कवर लगवाना था। तो गाइस फाइनली मैं निकलने वाला हूँ जयपुर के लिए, सो चलो चलते हैं। हम एल एम आई टी के लिए निकल चुके हैं। वैसे तो 2:30 से 5 तक रजिस्ट्रेशन था, लेकिन शायद से हम रजिस्ट्रेशन तक पहुंच नहीं पाएंगे, तो हम कल ही कराएंगे रजिस्ट्रेशन। तो मैक्सिमम लोग जो है हमारे कॉलेज के वो तो पहुंच चुके हैं, लेकिन आज हम पहुंच जाएंगे शाम तक। यहाँ पे फैमिली रुकी हुई है ना फोटोज खिंचवाने के लिए, यहाँ यहाँ पे हिरन विरन है, बंदर भी है, लोग बंदरों को बनाना खिलाने के लिए तो रुकते हैं। बीच में थोड़ी देर रुक गए थे इसके कारण हम शायद लेट ही हो जाएंगे। I get this feeling I wanna run away, hit the highway and never look back. I wanna watch it fade away in the rearview mirror. Won't get lost cause I've been really off track. तो guys finally reached hostel room. तो भाई रूम तो पूरा खिल रहा हुआ है, तो अभी समेटना है पूरा, उसके अलावा सामान भी लगाना है। तो चलो अभी सामान लगाते हैं और एक बार देखते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं फर्स्ट डे पे। तो गाइस बहुत गंदा कोहरा हो रहा है, वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था इतनी ज़्यादा ठंड होगी, लेकिन अब लग रहा है कि बहुत मुश्किल से कटेंगी जनवरी। तो हमारी मेस भी चेंज हो गई, पहले हमारी मेस ये थी जो कॉलेज जो हमारे हॉस्टल के बिल्कुल बगल में थी, और हमारी मेस भी है जो चल के है थोड़ा दूर है, तो भी जाना पड़ेगा मेस भी चल के।
शुरू हुआ था तो मैंने बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनाए थे कि जल्दी सोऊंगा, जिम करूंगा। 4 दिन निकल गए लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि रेजोल्यूशन फॉलो हो पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। अभी 362 डेज है फॉलो करने के लिए, ट्राई करेंगे। और एक तो अलग बीट ये है कि जो फिज़िक्स और इंग्लिश के नंबर थे वो पता नहीं है, बच्चों को तो दिखा दें जो आज प्रेजेंट थे, लेकिन मैं तो आज लेट आया हूँ कॉलेज में तो मुझे कोई आइडिया नहीं कि मेरे कितने नंबर हैं। और एकदम से MIS पोर्टल पे झटका लगेगा जब नंबर मिलेंगे। तो गाइस रात हो रही है अभी, तो मोस्टली लोग अपने रूम में ही हैं, तो बहुत ज़्यादा ठंड है जिसके कारण कोई रूम से निकल रहा है। तो मैंने सोचा एक बार अभी हॉस्टल टूर ले लेते, थोड़ा सा घूम ही लेते हैं हॉस्टल रात को। पूरा सुनसान हो रहा था भाई आज तो हॉस्टल। और लवीश भाई, अरे करण भाई कैसे हो? सब बढ़िया। हैप्पी न्यू ईयर ब्रदर। हैप्पी न्यू ईयर। कब आया था? मैं कल रात 10 बजे। अच्छा यार, आज तो सुनसान पड़ा यार पूरा हॉस्टल। सुनसान पड़ा है, अभी थोड़े लोग आना बाकी हैं, कल तक वो भी आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। हाँ ऐसा लग रहा है पूरा हॉस्टल खाली खाली है बहुत। मैं तो ऐसे घूम ही रहा था, अभी ये बात है फिर वापस हो जाएगी वही। हाँ और तुम कब आए? मैं आज शाम को आया था 5 बजे तक। वही सोचे दिखे ही नहीं। हाँ कल करना है मेरे को रजिस्ट्रेशन। कोई बात नहीं हो जाए। तो गाइस अभी हम बी का पेपर देखने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। जहाँ भाई कैसे हो? मैं बढ़िया भाई, फुल टेंशन है बी के मार्क्स की। हाँ। बढ़ जाने चाहिए मार्क्स। हाँ ट्राई करेंगे बढ़ जाए। हाँ चलो। CLP का पेपर तो मिस हो गया क्योंकि हम लेट आए थे, लेकिन अभी बी और PPS का पेपर बच्चा देखने को, तभी हम वहीं जा रहे हैं। तो मोस्टली सारे पेपर दिखा दिए, अब बस PPS का पेपर बचा है। बी में इन्होंने 2 क्वेश्चन में नंबर नहीं दिए थे तो उसमें तो नंबर बढ़ेंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि यार CLP का पेपर थोड़ी जल्दी तो नहीं कर दी, क्योंकि चेकिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स करी है हर पेपर में। तो चलो कुछ नहीं होता, तो चलो अभी ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।